हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तना। मैं तना स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। आशा करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूं। तो मैं आप लोगों के साथ जो बात करने आई हूं, हालांकि मैंने आपको बता दिया था पूजा के मैंने जो कमेंट्स था वो आपकी वीडियो अपनी वीडियोज़ में लगा दिया था कि पूजा के जो घर में मिस हैपनिंग हुई है उसके बारे में लेके, और मैंने आपको बताया था। बट आप लोगों ने इसको अलग अलग वे में लेकर गए, आपने बहुत कुछ बोला, उसको आज भी ट्रॉल करते हैं, बहुत कुछ उसके लिए भरा बुरा बोलते हैं कि वो एक ऐसी है जो अपने भाई और भाभी का घर नहीं बसने दे सकती। एक बात मैं आपसे, छोटी सी बात है, वो आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको ऐसा कैसे लगता है कि पूजा अपने भाई और भाभी का घर नहीं बसने दे सकती? क्या हर जगह बेटियाँ ही गलत होती हैं? क्या कहीं भी भाभियों का कसूर नहीं होता, भाइयों का कसूर नहीं होता, हर जगह बहनें ही गलत होती हैं? ये जो सोच है इसको आप मिटाइए। आप 18वीं 19वीं सदी में नहीं हैं, आप 21वीं सदी में हैं। वहां पर भी आकर आप अपनी चेंज नहीं लेकर आ रहे हैं तो आप अपने आप में कब चेंज लेकर आएंगे, बताइए मुझे। जहां पर मायके में बेटियों को देवियों का रूप माना जाता है, बेटी को अगर शादी होने के बाद कुछ दिया जाता है तो दान पुण्य में वो कन्वर्ट होता है। आप लोग इस तरीके से जो ट्रॉल कर रहे हैं पूजा को लेके, उस तरीके से उसको बोल रहे हैं, इतना वाहियात नेगेटिव जो कमेंट्स उसके लिए कर रहे हैं कि वो जब तक रहेगी मायके में यही सब होता रहेगा। आपको पता है, आप कुछ नहीं जानते हैं। अगर वो ससुराल में उसको लोग नहीं पसंद करते तो वो वहां पर उसकी सिचुएशन आपको पता है ना कितनी क्रिटिकल है। अगर वो इन सब चीजों को नहीं समझती, इन सब चीजों को वैल्यू नहीं देती, अपने ससुराल वालों को वैल्यू नहीं करती, तो वो इन सब चीजों को कब का अपने मायके आ चुकी होती, वहां पे एक या दो दिन रुकती और उसके बाद सीधा अपने मायके आ जाती, वहां पर अपना टाइम स्पेंड नहीं करती जहां पर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो खाने पीने में वहाँ, क्योंकि जब किसी के घर ऐसा कुछ हो जाता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग जैसा खाना खाते हैं वैसा खाना वहाँ नहीं बनता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी स्थिति रहती है। क्योंकि जिसकी गोद से बच्चा चला गया हो उसको पता रहता है, उस माँ का दर्द वो फील कर सकता है। यहाँ पर पूजा ने रहकर इस चीज़ को साबित कर दिया है कि पूजा अपनी दोनों ही फैमिली को बहुत वैल्यू करती है और दोनों ही फैमिली को बहुत अच्छे से समझती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितनी अहमियत देते हैं और कितनी नहीं देते हैं। बट आपका सोचने और समझने का जो भी इंटेंशन है, वो आप अगर नेगेटिव ही सोचेंगे तो सिर्फ आपको नेगेटिव ही मिलने वाला है। अगर आप उन चीज़ों को पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि पूजा की जो सिचुएशन है वो इस टाइम पर कितनी डिफिकल्ट है।